हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज तिवारी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पार्ट नमक का दरोगा की समरी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी आज़ादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी। सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौर में लोग प्रेम की कथाएं पढ़कर उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। मुंशी वंशीधर भी महत्वपूर्ण विषय जैसे इतिहास को छोड़ प्रेम कथाओं का ज़्यादा अध्ययन कर रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके पिता अनुभवी पुरुष थे। वे बताते हैं कि ऐसे पदों को चुनना चाहिए जिसमें ऊपरी कमाई हो। वंशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश करते हैं। फिर भाग्य से उन्हें नमक विभाग के दारोगा पद की नौकरी मिल जाती है, जिसमें वेतन भी अच्छा था और ऊपरी कमाई भी। यह खबर जब उनके पिताजी को पता चलती है तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। मुंशी वंशीधर 6 महीने में अपने अच्छे कर्मों से अपने अफसरों को मोहित कर लिया था। ठंड के समय एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे, तभी गाड़ियों की आवाज़ आई और उनकी नींद खुली। तब वह बंदूक रखे और घोड़े से पुल के पास पहुँचे, जहाँ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। उन्होंने पूछा तो पता चला कि पंडित आलोपीदीन की है। मुंशी वंशीधर चौंक पड़े। पंडित आलोपीदीन इलाके के सबसे बड़े जमींदार थे। लाखों रुपयों का व्यापार था उनका। वंशीधर ने जब जांच किया तो पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियाँ रोक ली। अगले दिन यह खबर हर तरफ फैल गई। पंडित आलोपीदीन के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में ग्लानि और क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। वंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित आलोपीदीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। वंशीधर के विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा गया। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। रुपए बांटे गए। वंशीधर को व्यंग बाणों को सहना पड़ा। एक सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। वंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहाँ एक सजा हुआ एक रथ आकर रुका। पिता ने देखा पंडित आलोपीदीन है। झुककर उन्हें दंडवत किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को कोसा भी। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धन बल का गुलाम बनाया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने कहा पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार है। इस बात पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला। वंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। कृतज्ञता से वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। वंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है, नहीं कि वह यह कार्य कर सके। पंडित जी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्यावान नहीं चाहिए, बल्कि धर्मनिष्ठित व्यक्ति चाहिए। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी की कागज पर दस्तखत कर दिए। पंडित आलोकदीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया।
तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह समरी अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और दोस्तों प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसे दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। हाँ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा है वीडियो। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।